प्रोड्यूस इज द रूट सेल। जो जड़ों में पानी होता है वो इंक्रीज बढ़ता है। अ प्रेशर इन प्रोड्यूस द रूट सेल्स टू पुश वाटर एंड मिनरल अप इन द प्लांट। और फिर एक प्रेशर की वजह से प्रेशर होता है जो पुश करता है पानी और मिनरल को पौधे के ऊपर, क्योंकि जड़ों में सब कुछ होता है, जड़ें लेती हैं। बट दिस प्रेशर ऑफ रूट्स कैन ओनली लिफ्ट वाटर अप टू अ सर्टेन हाइट। लेकिन ये जो प्रेशर होता है ये पानी को एक एक मुनासिब सी हाइट, ऊंचाई तक लेके जा सकता है। हाउ डज वाटर रीच इन लीव ऑफ अ ट्री? तो वो जो पानी है वो किसी भी दरख्त या पौधे के सारे पत्तों में कैसे पहुंचता है? आगे हम पढ़ते हैं, ट्रांसपिरेशन इन ऑल ट्रीज वाटर इज पुल्ड अप थ्रू द जाइलम व्हेन इट इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द लीव्स। लंबे दरख्तों में वाटर कैसे पुल होता है? जाइलम से, जब वो इवेपोरेट हो रहा है फ्रॉम द लीव्स पत्तों से। वंस इन द जाइलम पाइप्स, एक दफ़ा जाइलम के पाइप्स में वाटर फॉर्म अनब्रोकन कॉलम फ्रॉम द रूट्स। पानी जड़ों से अनब्रोकन कॉलम, टूटे हुए कॉलम्स की तरह आता है, थ्रू स्टेम जड़ से एंड इन टू द लीव पत्ते तक। द लॉस ऑफ वाटर बाई इवेपोरेशन, और पानी का लॉस हो जाना, ख़त्म हो जाना इवेपोरेशन के ज़रिए फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी पानी का